स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने जो हार्ट के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन एंड हार्ट के जो भी लेयर है उसके बारे में चर्चा की थी, और आज हम हार्ट के जो भी चैम्बर है एंड हार्ट के जो वाल्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स मी स्टार्ट नाउ वीडियो। चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर फोर चैम्बर होते हैं अपने, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो अपना राइट एट्रियम होता है वो अपने राइट एट्रियम एंड जो राइट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में अपने बाइकस्पिड वाल्व होता है, और राइट एट्रियम जो होता है वो अपने हार्ट के अंदर, इसके अंदर जो भी सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिसीव करता है, यानी कि हम इसको रिसीवर चैम्बर भी बोलेंगे। चैम्बर, अब जो राइट एट्रियम होता है उसको रिसीवर चैम्बर भी बोलते हैं, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा के द्वारा राइट एट्रियम में लेकर आता है। और राइट एट्रियम जो होता है उस वो अपने लेफ्ट एट्रियम से एट्रियम सेप्टम के द्वारा डिवाइडेड होता है, सेपरेट होता है, एंड जो राइट वेंट्रिकल एंड राइट जो एट्रियम होता है वो अपने दोनों सेपरेट होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा, या फिर जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं उसके द्वारा ये अपने डिवाइडेड होता है। एंड जो अपना राइट एट्रियम एंड जो राइट लेफ्ट एट्रियम होता है उन दोनों की जो थिकनेस होती है लगभग समान होती है, एंड सबसे ज़्यादा जो थिकनेस होती है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज़्यादा थिकनेस होती है। एंड अब जो अपना राइट वेंट्रिकल आ जाता है, राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से अपने जो पल्मोनरी सेमिनर वाल्व वहाँ से ओपन होता है, उसके नीचे साइड मतलब पल्मोनरी सेमिनर वाल्व पाया जाता है, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो अपने जो भी ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको राइट एट्रियम से रिसीव करता है, एंड ये उसके बाद फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लंग्स के पास पहुँचा देता है, लंग्स के पास पहुँचाएगा, और लंग्स के बाद वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अपने वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो वहाँ से फिर ये अपने लेफ्ट एट्रियम के पास पहुँच जाएगा। फिर जो अपना लेफ्ट एट्रियम होता है, ये अपना लेफ्ट एट्रियम होता है वो अपने राइट वेंट्रिकल से जो होता है सेपरेट होता है एट्रियम सेप्टम के द्वारा, एंड जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सेपरेट होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर यानी लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा ये अपने सेपरेट होता है, या फिर बाइकस्पिड वाल्व होता है या जिसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं उसके द्वारा ये सेपरेट होता है। अब जो ये लेफ्ट एट्रियम होता है वो अपने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू अपने जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ पहुँचा देता है, और वहाँ से जो अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एरोटिक सेमिलुनर वाल्व के थ्रू ये अपने आर्टरी के द्वारा पूरे ऑर्गन जो भी है बॉडी ऑर्गन है उनके पास पहुँचा दिया जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम तो अपने लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, एंड इसकी जो थिकनेस होती है वो अपने राइट वेंट्रिकल के लगभग समान ही होती है, और जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से अपना जो एरोटा है वो स्टार्ट होता है, यानी कि इसका जो असेंडिंग एरोटा होता है वहाँ इसका जो प्रारंभ होता है यहाँ से होता है। तो ये अपने जो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बारे में चर्चा हो गई। एक बार वो वापस मैं रिविजन कर देता हूँ कि जो राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में अपने बाइकस्पिड वाल्व होता है, जिसे नहीं मतलब इसके बीच में अपना ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और इसे हमें राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसके बीच में अपने बाइकस्पिड वाल्व या फिर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है, और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से अपने के बाद में अपने पल्मोनरी सेमिनर वाल्व होता है, और इसके बाद में अपना एरोटिक सेमिनर वाल्व होता है जो बॉडी ऑर्गन के पास ब्लड को पहुँचाने का काम करता है। तो अब हम बात करेंगे वाल्व ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर फोर वाल्व होते हैं, जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो उसके बीच में जो वाल्व होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, एंड जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और उसके बाद में जो राइट वेंट्रिकल है उसके बाद में अपना जो पल्मोनरी सेमिनर वाल्व ओपन वहाँ से स्टार्ट होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बाद में अपना एरोटिक सेमिनर वाल्व जो होता है वो ओपन होता है। तो जो बाइकस्पिड वाल्व होता है ये अपने राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो होता है उसके बीच में होता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो अपने लेफ्ट एट्रियम एंड
लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। अब अगर पल्मोनरी सिमिलर वाल्व, जो पल्मोनरी सिमिलर वाल्व होता है वो अपने राइट वेंट्रिकल के थोड़े से ऊपर साइड से ये स्टार्ट होता है, और पल्मोनरी सिमिलर वाल्व होता है वो अपने जो डिओक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग्स के पास पहुंचाने का काम करता है, और लंग्स के बाद वहां से जो गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये जो अपना वाल्व होता है ये अपने राइट वेंट्रिकल के बाद पाया जाता है। एरोटिक सिग्नल वाल्व होता है ये अपने स्टार्ट होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बाद है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एंड इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है एंड लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है। आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन सा वाल्व किस तरफ है, और जैसे राइट वाला राइट की तरफ है एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ। एंड जो अपना ये वाल्व होता है इनके भी काम होता है कि जो बाइकसिड वाल्व होता है ये अपने राइट एट्रियम है वहाँ से जो डिऑक्सीजन ब्लड होता है उसको राइट वेंट्रिकल के अंदर लेके आता है, और जो अपने बैक फ्लो यानी कि वापस ब्लड है राइट वेंट्रिकल में ना चल जाए इसके लिए जो अपना बाइकसिड वाल्व होता है वो उससे प्रिवेंट करने का काम करता है, और ट्राइकसिड वाल्व होता है वो अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर वापस ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ना चला जाए इसके लिए वो प्रिवेंट करता है, और इसका वर्क ये होता है। तो इसके अंदर तीन कस्प होते हैं यानी कि इसके अंदर तीन छिद्र होते हैं और इसके अंदर दो छिद्री होते हैं, इसलिए इसको बाइकसिड एंड इसको ट्राइकसिड बोलते हैं। अब पल्मोनरी सिमिलर वाल्व, पल्मोनरी सिमिलर वाल्व होता है वो अपने राइट वेंट्रिकल के से वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पहुँचा देता है, और वहाँ से फिर गैसों का एक्सचेंज होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योर ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एरोटिक सिमिलर वाल्व तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास स्टार्ट होता ही है, वो एरोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन के पास आर्टरी के द्वारा ब्लड की सप्लाई करता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद एक छोटा सा सब टॉपिक आता है उसका नाम है कैपिलरी मसल्स। तो हम बात करेंगे पेपिलरी मसल्स एंड कार्डियक टेंडन, एक सब टॉपिक होता है जो कि अपने वेंट्रिकल के अंदर पाया जाता है, ये यानी कि ये मसल्स होती है जो कि अपने वेंट्रिकल के अंदर पाई जाती है, और ये जो अपने वेंट्रिकल के अंदर जो भी वेंट्रिकल की जो एंडोथीलियम होती है लेयर होती है वहाँ पर ये अपने पेपिलरी मसल्स एंड कार्डियक टेंडन पाई जाती है, और इसका मेन वर्क ये होता है कि ये अपने जो एवी वाल्व है यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है उसको ओपन एंड क्लोज करने का काम करती है, यानी कि एवी वाल्व का मतलब हो गया कि जो अपना लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व एंड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब ये जो अपने डायरेक्टली अटैच होती है एंडोथीलियम से ये मैंने दिखाई दिया, एंड इसका भी अपने जो एवी वाल्व को ओपन एंड क्लोज करने के अंदर बहुत हेल्प करती है, और ये इसके बाद जो अपने बाइकसिड वाल्व ट्राइकसिड वाल्व में बाइकसिड में से दो कस्प होते हैं एंड ट्राइकसिड के अंदर तीन कस्प होते हैं। यही अपना हार्ट के जो चैम्बर है और वाल्व है उसके बारे में यही जानकारी थी, और आपको इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो मैंने इसके जो नोट्स है पहले ही अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप अपने जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करें एंड अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू, धन्यवाद।